देश की पब्लिक प्रॉपर्टी का सोनिया जी, राहुल गांधी और परिवार के लोग किस तरह से दुरुपयोग करते हैं, इस पर कल दिल्ली हाई कोर्ट की भी मुहर लगी है। द वे इन विच पब्लिक प्रॉपर्टी, कॉस्टली लैंड इज बीइंग अब्यूज्ड by the family trust of Shrimati Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, along with their family retainers, has been confirmed by a judgment of Delhi High Court. और आज उसकी चर्चा करने के लिए हम आपके सामने आए हैं जजमेंट के साथ जो मेरे हाथ में है। थोड़ा आपकी याददाश्त के लिए, एक एसोसिएट जर्नल है जिसको पिछले 50-60 वर्षों में कई जगह जमीन मिली नेशनल हेराल्ड की छपाई के लिए। वो जमीन मुंबई में है, दिल्ली में है, वो मोहाली में है, चंडीगढ़ में है, शायद लखनऊ में भी है। और कंजर्वेटिव एस्टिमेट से ये टोटल प्रॉपर्टी 5000 करोड़ की है। नेशनल हेराल्ड चला था, पुराना अखबार था, बंद हो गया, और ये सब जमीन अखबार के चलाने के लिए दी गई थी। ऑल द अलॉटमेंट बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम इंक्लूडिंग इन दिल्ली वाज फॉर द ओनली पर्पसेस ऑफ रनिंग द नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर। पहले एक और कुछ लोग के लिए सुखद और ईमानदारी के लिए दुर्घटना हुई थी कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना प्राइम लैंड, वो यंग इंडिया एक फैमिली रिटेन ट्रस्ट के नाम पर 50 लाख में ट्रांसफर हो गया। यह भी भारत के कॉरपोरेट जगत में एक अजूबी घटना हुई कि एक न्यूज़पेपर एसोसिएट जर्नल जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी हो, जिसकी लगभग 5000 करोड़ की मालकियत हो पूरे देश में, जो उनकी संपत्ति है, उनके ऊपर कुछ करोड़ों की देनदारी भी हो लगभग 80-90 करोड़ की, वो सब कुछ सिर्फ 50 लाख में यंग इंडिया के ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया। मैं इसमें एक पैटर्न देखता हूं। आपको याद होगा ना कि दामाद श्री के लिए करोड़ों की संपत्ति कुछ लाख में गुड़गांव में ट्रांसफर की गई थी। उसकी चर्चा हम लोगों ने कई बार इस मंच से की है और वो भी इंक्वायरी पेंडिंग है, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। मैं हाईकोर्ट के निर्णय के पैराग्राफ पे आऊं, उसके पहले आपको यह बताना जरूरी है कि संबंधित विभाग के द्वारा नोटिस दिया गया था कि चूंकि आप वहां पर कोई भी अब अखबार चलाने का काम नहीं करते हैं और सिर्फ 70-80 लाख रुपया किराया कमाते हैं, तो अगर मेन एक्टिविटी खत्म हो गई तो अब हम इस लीज को कैंसिल करना चाहते हैं, अतः आप जवाब दें। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम चला रहे हैं, तो बकायदे फिजिकल इंस्पेक्शन हुआ और फिजिकल इंस्पेक्शन के बाद भी वहां अखबार चलाने का कोई संकेत नहीं मिला, न कोई प्रिंटिंग मटेरियल है, न कोई न्यूज प्रिंट है, कुछ नहीं है। और अभी मैं जजमेंट में आऊंगा तो एक बहुत रोचक बात आपको लगेगी कि जब इनकम टैक्स प्रोसीडिंग हो रही थी तो कहा गया वी हैव स्टॉप्ड द पब्लिकेशन ऑफ नेशनल हेराल्ड। तो कहीं पर जहां टैक्स बचाना है वहां कह दिया हमने रोक दिया, जब जमीन जा रही है तो झूठी बात कही गई। तो कोर्ट ने जो कुछ बातें कही हैं, जो संबंधित जो जमीन का देखते हैं जो एजेंसी दिल्ली में, उन्होंने जो अपनी इंक्वायरी में कंक्लूड किया उसके कुछ पैराग्राफ में खाली पढ़ता हूं और बाद में कोर्ट के निष्कर्ष पे बताऊंगा आपको। The property, almost 100% share, has been transferred to another company
विदाउट द परमिशन ऑफ द लेसर इन वायलेशन ऑफ क्लॉज 333। आप सभी अनुभवी पत्रकार हैं, आपको मालूम है जब भी आपको कोई सरकारी जमीन मिलती है तो उसमें क्लॉज होता है कि यह जमीन आपको लीज पर इस काम के लिए दी जा रही है और अगर आप इसको दूसरे को ट्रांसफर करेंगे तो आपको संबंधित लेसर की अनुमति लेनी जरूरी है। यह हर में होता है और अगर आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो यहां पर उन्होंने पूरा ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद जो फील्ड इंस्पेक्शन हुआ उसकी हम बहुत ही एक रोचक कहानी आपको बताना चाहते हैं, जिसको देखने के बाद थोड़ा आपको भी आश्चर्य होगा कि हमसे राफेल पर बहुत सवाल पूछने वाले खुद कैसे काम करते हैं। अब यह देखिए, पहले मैं इनकम टैक्स के बारे में पढ़ता हूं। मैं पैराग्राफ 10 ऑफ कोर्ट पढ़ रहा हूं। यहां पर आप ध्यान रखिए कि कोर्ट में लोग क्यों गए जब इनको कहा गया कि आप 2 हफ्ते के अंदर इसको वैकेट करिए, तो उसको चैलेंज करते हुए कोर्ट में गए कि हमारा अखबार चल रहा है, हमें वैकेट करने का निर्देश क्यों दिया गया है। अब देखिए, मैं पैराग्राफ 10 पढ़ रहा हूं। इट वॉज पॉइंटेड आउट बाय द लर्नड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया द स्टैंड ऑफ द पिटिशनर इन द इनकम टैक्स प्रोसीडिंग इज द इंटायर बिजनेस ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नेशनल हेराल्ड न्यूज पेपर हैड स्टॉप्ड in April 2008 and petitioner AJL had offered voluntary retirement to all its employees who had accepted it and so resumption of publication of weekly newspaper is a feeble attempt to retain the premises. तो 2008 में इनकम टैक्स के से संबंधित कार्रवाई में स्वयं एसोसिएट जनरल ने कहा कि हमारे सारे लोगों हमने पब्लिकेशन बंद कर दिया है और सबको वॉलंटरली रिटायरमेंट का उन्होंने अब देखिए, बाकी तो उन्होंने स्पेशल टेक ओवर की बात की है, लेकिन जो कोर्ट ने एक बात कही है वो मैं आपके सामने आना चाहता हूं। इन्होंने मालाफाइडी की बात कही, कोर्ट ने उसको भी इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट की ये टिप्पणी है कि ये फील्ड इंस्पेक्शन से मैं पढ़ना चाह रहा हूं। इन दिस रिगार्ड द ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंस्पेक्शन कमिटी इज रिक्वायर्ड टू बी एडवर्टेड टू। श्री मोतीलाल बोहरा चेयरमैन AJL अलोंग विथ हिज एसोसिएट वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट नो प्रिंटिंग प्रेस इज फंक्शनिंग एट एनी फ्लोर ऑफ द प्रमाइसेस एंड नो पेपर स्टॉक वाज फाउंड एनीवेयर एंड ऑन द फोर्थ फ्लोर is being used by AJL for their president office. Or AJL le bhaiya aapka assistant general. It was informed by AJL representative that the organization is presently publishing National Herald Weekly since 24/9/2017. अब आप देख रहे हैं, 2008 में कह दिया कि हमने अखबार बंद कर दिया। जब नोटिस हुई तो कह रहे हैं कि इतने महीने पहले से हम ये पब्लिश कर रहे हैं। इसको भी उन्होंने Even required if the paper was not being published before 24/9/17, it was informed that publishing of weekly was earlier stopped and employees were given VRS. तो ये सारी बातें करके जब मालूम है इंस्पेक्शन टीम आ रही है दिखाने के लिए, यहां पर एक बात कहने की बात की गई। अब ये जो इस पे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं, to the occasion to give a second show cause notice to petitioner was the result of a communication received by respondent from CIT in June 2018 which has made a startling revelation regarding takeover of Associate General by Young Indian Company whose shareholders are Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Shri Motilal Bohra and Shri Oscar Fernandez. By transfer of AJL 99% share to Young India Company, the beneficial interest of AJL property worth 413 crore stands clandestinely transferred to Young India. इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।